दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे मेन और सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिनकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम बाहर हुई है। छोटे कारण नहीं है, इसके पीछे पैसे का भी गेम है, क्योंकि भैया मनी है तो हनी है, पैसा है तो सब कुछ है, और उस पैसे को लेकर के खिलाड़ी इतने ज़्यादा चिपक गए हैं फैंटेसी क्रिकेट से कि नेशनल ड्यूटी पर तो उन्हें शर्म आती है जाने में। वो रीज़न भी है, मैं आपको बताऊंगा दो रीज़न क्यों न्यूजीलैंड की जो है हालत खराब हो रही है, और क्यों क्रिकेट की सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कही जाने वाली टीम अफगानिस्तान जैसी नई टीम से भी बुरी तरह से हार जाती है, बुरी तरह से हारती है। डिस्कस करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, अगर हम टॉप फोर टीमों की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का नाम हर कोई अकॉर्डिंगली डाल ही देता है, क्योंकि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट टीम है आईसीसी के इवेंट्स में, और इसीलिए न्यूजीलैंड को जो बहुत स्ट्रांग टीम माना जाता है, और इसके पीछे कारण है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, न्यूजीलैंड ने साल दर साल अपने आप को बेस्ट प्रूव करके दिखाया है। बात साल हुए वर्ल्ड कप 2023 की करें तो वहां पर सेमीफाइनल में था, 2022 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में गई थी, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी, 2019 से 21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, 2019 के वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गई थी, 2015 के वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी, 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गई थी, 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ये रनर अप रही थी, 2007 यहां पर ODI और T20 दोनों वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी टीम, और 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची थी। लेकिन इतने स्वर्णिम इतिहास के बावजूद T20 वर्ल्ड कप 2024 से न्यूजीलैंड की टीम ऐसे गायब हो गई जैसे हिरण के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ग्रुप सी में थी न्यूजीलैंड की टीम, यहां से अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज ने क्वालिफाई किया है और न्यूजीलैंड हो गया है बाहर। न्यूजीलैंड ने दो मैच खेले, दोनों हारे, एक में अफगानिस्तान के खिलाफ ये हारे 84 रनों के बड़े अंतर से, दूसरा वेस्टइंडीज से इन्होंने 13 रनों से हारा, लेकिन न्यूजीलैंड की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। किसी ने सोचा नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। मैंने आपको भी आंकड़े दिखाए इतने सारे कि इतने स्वर्णिम इतिहास के बावजूद इस साल न्यूजीलैंड जो है बाहर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो जाती है, तो बहुत ही बुरी बात है, शर्मनाक बात है न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन अब डिस्कस करते हैं वो दो मेन रीजन जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हुई है बाहर। सबसे पहला रीजन है IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और दोस्तों कुछ भी कहने से पहले अभी ये पूरा सुन लो आप कि क्यों मैं कह रहा हूं कि IPL की वजह से न्यूजीलैंड की हालत हुई है। IPL में कैसे विकेट्स थी, IPL में पाटा विकेट्स थी, यहाँ पर दबा के बैटिंग हो रही है, 250 बन रहे हैं, पौने 300 बन रहे हैं, तो वो आदत लग चुकी थी। और न्यूजीलैंड की जो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड है, इसमें 15 में से 9 प्लेयर IPL खेले हैं, फिर चाहे वो केन विलियमसन हो कप्तान, रचिन रविंद्र हो, मिचेल सेंटनर हो, डैरिल मिचेल हो, मैट हेनरी हो, ट्रेंट बोल्ट हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, ग्लेन फिलिप्स हो, या फिर डेवॉन कॉनवे हो, ये सभी IPL खेले पाटा पिचेस पर, और कुछ प्लेयर तो इनमें से खेले भी नहीं, बैठे ही रहे, मतलब उनकी वो प्रैक्टिस नहीं रही। इसके बाद पाकिस्तान का दौरा किया था, वहां पर भी बिना प्रैक्टिस के चले गए थे, और वर्ल्ड कप में भी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो पहला रीजन हो जाता है IPL का खेलना, उस IPL का जहां पर पिचेस बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन रियल कंडीशन T20 वर्ल्ड कप में बहुत अलग थी। तो वहां से एकदम से आप यहां, वही विराट कोहली के साथ भी हुआ है, वहां से आप एकदम से शिफ्ट करके आए हैं और आपकी हालत जो है खराब हो गई, आप अफगानिस्तान से हार गए। दूसरा जो कारण है वो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस नहीं कर पाई टीम। देखिए एज ए यूनिट जो है न्यूजीलैंड की टीम बेहतर मानी जाती है, न्यूजीलैंड की टीम में बहुत बड़े कि ये हीरो, जैसे कि हमारे यहाँ धोनी, विराट कोहली, रोहित को कह दिया जाता है, सचिन को कह दिया जाता है, ऐसे वहां पर इतने बड़े बड़े हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई कैसे साल दर साल कंसिस्टेंसी के साथ वो हर एक टूर्नामेंट में अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखी। क्यों? क्योंकि एज ए टीम खेलते हैं। अब यहां पर खेल तो रहे हैं वो, लेकिन एज ए यूनिट नहीं खेल पा रहे हैं, एज ए ग्रुप नहीं खेल पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है सबके साथ में, वो ट्यूनिंग नहीं है, इस वजह से जो है न्यूजीलैंड हारी है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया जो है सुपर एट में पहुंच चुकी है, अपने ग्रुप से मैच जीत करके पहुंच चुकी है, और दूसरे जो नंबर पर रहेगी ग्रुप ए में वो शायद USA ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के चांस थोड़े से कम है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वर्ल्ड कप को जीत कौन रहा है। न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो चुकी है, दो चार मेन ओपोनेंट्स बचेंगे यहां पर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड अगर क्वालिफाई करता है वो, और इंडिया तो यहां पर है ही। बहुत इंटरेस्टिंग जंग इस बार बनी हुई है, और इस बार के T20 वर्ल्ड कप में हुआ भी बहुत अलग अलग है। पाकिस्तान को यहां पर USA ने सुपर ओवर में हराया था, न्यूजीलैंड यहां पर अफगानिस्तान से हारी। तो T20 वर्ल्ड कप में ये तो साफ चीज दिखती है कि कोई टीम कहने से छोटी बड़ी नहीं हो जाती है, वो जब ग्राउंड पे आते हैं तो कुछ भी हो जाता है। तो ये है असली क्रिकेट। बाकी साल का T20 वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना।